बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास टू इंग्लिश मीडियम की सोशल स्टडी पढ़ेंगे। हमारा आज का लेक्चर नंबर 14 है। हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4, वेदर एंड क्लाइमेट। कल हमने इसका क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, आज हम इसकी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। पहला है टिक द करेक्ट आंसर, दुरुस्त जवाब पर टिक लगाएं। इट टेक्स इंटरफेरेंस डैश फॉर वेदर चेंजिंग, मौसम की तब्दीली में किसकी मदाखलत होती है? फॉरेस्ट्स जंगलों की, क्लाइमेट आबोहवा की, वाटर पानी की। किसकी इंटरफेरेंस होती है? क्लाइमेट आबोहवा की। क्लाइमेट पर आप टिक लगा देंगे। नाइट्स आर रातें शॉर्ट इन छोटी होती हैं, रातें छोटी होती हैं। समर्स गर्मियों में, विंटर्स सर्दियों में, स्प्रिंग बहार में। तो रातें छोटी होती हैं समर गर्मी में, समर पर टिक लगाएंगे। इट रेन्स इन बिटवीन, बारिशें किसके दरमियान होती हैं? नवंबर एंड दिसंबर, जुलाई एंड अगस्त या अप्रैल एंड मई। तो बारिशें होती हैं जुलाई एंड अगस्त में, तो हम जुलाई और अगस्त पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह पुर करें विद करेक्ट वर्ड, दुरुस्त अल्फाज के साथ। मैंने यहाँ पर ब्लैंक को फिल कर लिया है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, माहौल की हालत या कैफियत, फॉर लॉन्ग टाइम लंबे अरसे के लिए, इज कॉल्ड डैश क्या कहलाती है? ब्लैंक में आएगा वेदर, वेदर डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर वेदर। पाकिस्तान हैज़ डैश क्लाइमेट, पाकिस्तान की आबोहवा कैसी होती है? इंटेंसिव आई एन एन टी ई एन टेन एस आई वी ई सिव इंटेंसिव। ब्लैंक में आएगा इंटेंसिव। इन समर पीपल सिट अंडर द डैश, गर्मी में लोग बैठते हैं शेडो साए के नीचे, एस एच ए डी ओ डब्ल्यू शेडो। समर सीज़न स्टार्ट इन, समर सीज़न शुरू होता है मई में, ब्लैंक में आएगा मई एम ए वाई मई। मैक्सिमम रेन्स कॉज, ज़्यादा बारिशें वजह बनती हैं फ्लड सैलाब की, एफ एल डबल ओ डी फ्लड सैलाब की। फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग इन डैश सीजन, फूल किस मौसम में खिलते हैं? स्प्रिंग एस पी आर आई एन जी स्प्रिंग, ब्लैंक में आएगा स्प्रिंग। नेक्स्ट है टिक ऑन ट्रू, दुरुस्त पर टिक लगाना है एंड क्रॉस ऑन फाल, गलत पर क्रॉस लगाना है। पहला है वेदर चेंज डे बाय डे, मौसम दिन ब दिन बदलता है, ये दुरुस्त है, इस पर हम टिक लगाएंगे। इन समर डेज आर शॉर्ट, गर्मी में दिन छोटे होते हैं, ये गलत है, इस पर हम क्रॉस लगा देंगे। इन विंटर्स वी बर्न फायर टू हीट अप द रूम, सर्दियों में हम कमरे को गर्म करने के लिए आग जलाते हैं, ये दुरुस्त है, ट्रू है, इस पर हम टिक लगाएंगे। समर स्टार्ट फ्रॉम फरवरी, गर्मी फरवरी से शुरू होती है, ये रॉन्ग है, इस पे हम क्रॉस लगाएंगे। देयर इज़ नो रेन इन आर कंट्री, हमारे मुल्क में बारिश नहीं होती, ये भी रॉन्ग है, इस पे हम क्रॉस लगाएंगे क्योंकि हमारे मुल्क में बारिशें होती हैं। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दर्ज ज़ैल सवालात के जवाब दें। कुछ हमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने इनके जवाब देने हैं।
इसके लिए मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। तमाम स्टूडेंट्स के पास नोट्स मौजूद हैं, वहाँ से हम इन क्वेश्चंस की रीडिंग करेंगे। जी, शॉर्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ से रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज वेदर, मौसम क्या है। आंसर है, एट एनी प्लेस द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर, यानी किसी भी जगह पर माहौल की कैफियत मौसम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज वेदर। आंसर है, एट एनी प्लेस द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर। क्वेश्चन नंबर टू, विच थिंग डज अफेक्ट ऑन वेदर चेंजिंग, कौन सी चीज़ मौसम के बदलने पर असरअंदाज होती है। आंसर है, क्लाइमेट अफेक्ट्स ऑन वेदर चेंजिंग, आबोहवा मौसम की तब्दीली पर असरअंदाज होती है। क्वेश्चन नंबर टू, विच थिंग डज अफेक्ट ऑन वेदर चेंजिंग। आंसर है, क्लाइमेट अफेक्ट्स ऑन वेदर चेंजिंग। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच सीजन हैज़ लॉन्ग नाइट्स एंड शॉर्ट डेज, किस मौसम में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। आंसर है, विंटर हैज़ लॉन्ग नाइट्स एंड शॉर्ट डेज, सर्दी में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच सीज़न हैज़ लॉन्ग नाइट्स एंड शॉर्ट डेज। आंसर, विंटर हैज़ लॉन्ग नाइट्स एंड शॉर्ट डेज। क्वेश्चन नंबर फोर, विच सीज़न डज कम आफ्टर रेन्स, बारिशों के बाद कौन सा मौसम होता है। आंसर है, ऑटम कम्स आफ्टर रेन्स, बारिशों के बाद खिजां का मौसम होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच सीज़न डज कम आफ्टर रेन्स। आंसर, ऑटम कम्स आफ्टर रेन्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन विच सीज़न, किस मौसम में डू पीपल, लोग सिट बैठते हैं, अंडर द शेडो साए के नीचे, किस मौसम में लोग साए के नीचे बैठते हैं। आंसर, इन समर गर्मी में पीपल लोग सिट बैठते हैं, अंडर द शेडो साए के नीचे, गर्मी में लोग साए के नीचे बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन विच सीज़न डू पीपल सिट अंडर द शेडो। आंसर, इन समर पीपल सिट अंडर द शेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, कॉलम मिलाना है। ए और बी कॉलम दिए गए हैं, हमें इनको पढ़ के आपस में मैच करना है। समर सीज़न कब होता है, समर सीज़न फ्रॉम मई टू सितंबर, तो हम समर सीज़न को मैच करेंगे फ्रॉम मई टू सितंबर के साथ। विंटर सीज़न सर्दी का मौसम, फ्रॉम नवंबर टू फरवरी, इसको हम मैच करेंगे नवंबर टू फरवरी के साथ। स्प्रिंग सीज़न बाहर का मौसम कब होता है, मार्च अप्रैल में, तो इसको हम मैच करेंगे मार्च अप्रैल के साथ। रेनी सीज़न बारिशों का मौसम, जुलाई और अगस्त में होता है, तो इसको हम मैच करेंगे जुलाई और अगस्त के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर फोर की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करके ज़ुबानी लिखकर चेक करना है। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें, इन्हें लाइक करें,
बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।